हाँ जी सर, अपन सबको पता तो है ना अपन यहाँ पे किस लिए गैदर हुए हैं? कोई आइडिया? नो आइडिया। अपन सब यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं, कोई आइडिया है? किस लिए? मोटिवेट होने के लिए। हाँ या ना? अपना पूरा जो भी अटेंशन रहेगा वो किस पे रहेगा? मोटिवेशन पे रहेगा। तो कुछ छोटा मोटा हम लोगों ने एक सोचा, एक प्रोग्राम टाइप का आपके लिए, मतलब एक तरह से डिजाइन करने की सोचिए, ठीक है? और आने वाले टाइम में देखते हैं कितना ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, क्या रहता है आपका, ठीक है? सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी से आपको एंड मतलब पूरी कहानी में एंटर करते हैं, ठीक है? ये हो सकता है किसी ने सुनी भी हो, आप में से किसी को। वैसे मेरे को लगता है क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स मैं जिनके टच में आता हूँ वो आईआईटी के स्टूडेंट्स या फिर मेंस के स्टूडेंट ही होते हैं, तो डेफिनेटली कुछ लोगों ने शब्द नहीं सुना होता, उसे कहते हैं कोकून। एनी आइडिया? कोई कोकून के बारे में कोई आइडिया आपको? कोकून किसका होता है, किसी को पता है? हाँ, ये तितली होती है ना, तितली, वो कोकून्स बनाती है, पता है आपको? हाँ, मैं थोड़ा आपको और याद दिलाता हूँ। जैसे अपने घरों में कई बार आपने देखा होगा ना, वो मिट्टी के कुछ बने हुए होते हैं जिनमें वो ततैया या फिर तितली वगैरह कुछ रहते हैं, देखा आपने? वो कोकून्स होते हैं, है ना भाई? मैं आपको जरा कोकून्स के बारे में बता दूँ आपको, ठीक है? तो कहानी में कोकून की एंट्री, तो बिना आपको कोकून के इंट्रोडक्शन के मैं अगर अचानक से ऐड करने की कोशिश करता हूँ, कुछ लोग उगड़ सकते हैं कि कोकून मेरे को पता ही नहीं है, है ना? तो कोकून तो आपको समझ में आ गया। एक बार की बात है कि एक आदमी गार्डन के अंदर फ्रीक्वेंटली आया जाया करता था, तो जो अपने उसका घर का गार्डन था उसके पेड़ पर उसने देखा कि एक तितली ने कोकून बना दिया है, ठीक है? अब डेफिनेटली दिलचस्पी आ गई, आ गई। अचानक से उसने दो तीन दिन बाद में देखा उस कोकून के अंदर एक छोटा सा छेद हो गया है, और उस छेद से एक छोटा सा कोकून, मतलब जो तितली का बच्चा होता है ना, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। छेद बहुत छोटा था, बहुत ट्राई कर रहा है। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई, वहीं बैठ गया, उसने देखा, देखे कैसे आखिरकार ये होता कैसे, ठीक है? तो काफी जोर लगाने के बाद में भी वो उस ओपनिंग, वो जो बहुत छोटी सी ओपनिंग थी उसमें से वो निकल ही नहीं पा रहा था। वो बहुत देर तक देखता रहा कि अब आएगा बाहर। वो काफी ट्राई कर रहा है, ट्राई करते 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 थक गया, आखिरकार वो उसने बाहर आने की कोशिश ही करनी बंद कर दी। अब क्या हुआ, अब उस आदमी को दया आ गई। उस आदमी ने क्या किया, वहां पास में एक तिनका पड़ा था, उसने उसकी ओपनिंग को धीरे धीरे बड़ा कर दिया, और ओपनिंग बड़ी हो गई, डेफिनेटली वो जो तितली का बच्चा होता है वो बाहर आ गया, ठीक है? लेकिन बाहर आकर के नीचे जमीन पे गिरा। अब उसने सोचा अब धीरे धीरे थोड़ी देर में फड़फड़ाएगा और उड़ के चला जाएगा, देखते हैं कैसा होता है, ठीक है? अब वो क्या हुआ, उसने देखा वो वहां गिर गया है, उसने नीचे एक पेड़ का पत्ता लगा दिया। पेड़ का पत्ता लगाने के बाद में वो वेट करता रहा, कुछ नहीं हुआ, फिर वो घर चला गया। अगले दिन देखा उसी पेड़ के पत्ते के आसपास वो रिगड़ रहा है, लेकिन वो उड़ नहीं रहा। अब आपको पता है गड़बड़ कहां हुई थी? गड़बड़ ये हुई थी कि उसने अपनी पूरी उम्र अब उस पत्ते या पत्ते के आसपास ही निकालनी थी, क्योंकि वो जो ओपनिंग थी ना, वो जो जितनी छोटी ओपनिंग होगी और जितनी वो कोशिश करेगा कि पंख को बाहर निकाल सके, उसमें क्या होता है, उसकी प्रोसेस में, बॉडी की प्रोसेस में ये होता है, उसकी बॉडी में एक फ्लूड होता है, वो जो फ्लूड है ना उसकी बीच वाले मतलब जो स्टेम होता है ना उसमें इकट्ठा होता है। वो जितनी कोशिश करता है ना उतना ज्यादा वो फ्लूड उसके पंखों के लास्ट एंड तक पहुंचता है, वो पंख को पावरफुल करता है। बात समझ रहे हैं आप? जितनी ज्यादा वो कोशिश करेगा, जितनी ज्यादा बार वो नाकाम होगा, उतना ज्यादा फोर्सफुली पंख को फैला सकेगा, पंख ज्यादा बड़े होंगे। मेरी कहानी को समझा? लेकिन उसने क्या करा, दया और जल्दबाजी के चक्कर में उस प्रोसेस को ही मार दिया। यह संघर्ष है, और इसी को समझने के लिए अपन यहां इकट्ठे हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में कहीं, है ना, जो एक जरूरी प्रोसेस है जिसे आप संघर्ष कहते हो, जिसके बाद आपकी उड़ान लंबी होगी, जिसके बाद आपकी उम्र ज्यादा जाएगी, कहीं अपन उसको मिस तो नहीं करने वाले, कहीं हम उससे भाग तो नहीं रहे। कि हमने एक आपके लिए इस जगह पे एक गाना देखा था, अगर भाई देखा अभी अवेलेबल है तो ट्राई कर लें एक बार जरा, कर प्रयास वाला। हम भी एक और आपके लिए एक छोटा सा एक गाना रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कई बार हम लोग जिनकी तरफ देखते भी नहीं है, उन छोटी छोटी चीजों से हमारे को कैसे इंस्पिरेशनल मूवमेंट्स मिलते हैं, है ना? ट्राई कर लें एक बार जरा फटाफट से। हाँ, कठिन समय में हम किन पंक्तियों को दोहराते हैं? असफलता घेरे चो माँ घूम अवरुद्ध, पास ना हो धन तेरे और कार्य हो अपार, तो भाग मत, कर प्रयास, भाग मत। चाहे तू हंसना पर आंख को नम, भाग मत, कर प्रयास।
जीत में ही हार है, रात में ही दिन, निकलेगा सूरज फिर, दूर क्षितिज पार, भाग मत कर प्रयास, पीड़ा ही सुख। विष्णु, विष्णु को पीड़ा ही सुख, पीड़ा ही सुख, सुखी है पीड़ा, हार ही जीत, जीत ही है हार, भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत, भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत, भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत, भाग मत कर प्रयास। किसने क्या बोलने की कोशिश करी? भाग मत कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत, भाग मत कर प्रयास। और यही बेसिक स्टोरी अपनी पूरी कहानी की। मैं जो आपके सामने खड़ा होकर के आपको इसे बोल पा रहा हूं, ठीक है, या कोई भी आपके सामने आकर के टीचर आपके सामने जब बोलता है तो वह ऐसे नहीं बोल रहा, उसको स्टैंड होने में इतना टाइम लगा है ना, आप सोच नहीं सकते। मतलब मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं अपने पूरी जनरेशन के लोगों को जानता हूं, क्योंकि आजकल के टाइम में तो जैसे आप सब ये देखते हैं टेक्नोलॉजी के कारण से चीजें काफी आसान है। किसी टाइम पे तो बुक्स वगैरह की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम थी, जिस टाइम पे बुक्स ही नहीं होगी उस टाइम पे आप किसको पढ़ के पढ़ाओगे? जब आपके पास बुक्स ही नहीं होगा तो आप किसको पढ़ के पढ़ाओगे? जब आप दूसरा टीचर भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना, वो भी तो देश के किसी खास खास कोने में बैठा है, समझ रहे हैं बात को? तो ये जो चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपन ये बात समझें कि है ना, हम जो भागमत कर प्रयास वाला जो सेगमेंट लेकर के आ रहे हैं वो यही है कि हम, जैसे मैं अपने टाइम की बात बता सकता हूँ, मेरी छोटी सी बात मैं आपको शायद बता सकूं। जैसे हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोग पढ़ा करते थे और पढ़ाने के लिए पढ़ा करते थे, तो हम इतना ज्यादा उस चीज में डूबे हुए थे क्योंकि हमारे को ये पता था कि अगर हमने गलती से भी एक घंटा, क्योंकि चार क्लास तो पक्की है लेनी है आपको, चार क्लास का मतलब आपके लिए 8 घंटे होते हैं, हमारे लिए 10 घंटे होते हैं, और उसके बाद में घर पे आकर के जब वापिस आप उन्हीं 4 क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 घंटे लगातार तब बोल पाते हैं जब आप 4 घंटे पढ़ते हैं। हमारा सिस्टम बिल्कुल आरओ सिस्टम जैसा होता है। आरओ देखा है आपने? आरओ में जब बाय द वे 4 बाल्टी पानी अंदर जाता है ना तो 1 बाल्टी बाहर आता है। बात समझ में आई आपको? हमारी जिंदगी बिल्कुल आरओ सिस्टम जैसी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो हमने सोच लिया वो सब जाकर के वहां पे बोल सकते हैं। तो एक टाइम ऐसा भी था जब मैं और मेरी जनरेशन के सभी लोगों के बारे में बता रहा हूं, मैं मेरे लिए ही नहीं बता रहा, उस समय पे ये हालत थी कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना तक बंद कर दिया था। क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया था? क्योंकि हमें मनोरंजन की जरूरत ही नहीं थी, हमें एक्चुअल में एंटरटेनमेंट की जरूरत ही नहीं थी, हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत थी एड्यूटेनमेंट की। किसकी जरूरत थी? एड्यूटेनमेंट, क्योंकि हमें मनोरंजन नहीं चाहिए था, हमें मनोमंजन चाहिए था, समझ रहे हैं? दिमाग को घिसना है, मनोरंजन चाहिए ही नहीं, बंद है, बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि या तो मनोरंजन कर ले या बात खत्म कर ले। तो यहां क्या है ना, हमारे अंदर एक जिद थी, हमारे अंदर एक क्या था, जिद थी। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, हमारे पूरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उन सबकी तरफ से मैं शायद ये बात कह सकता हूं कि सभी जो भी आपके सामने जितने भी टीचर खड़े हुए हैं और जो खड़े होंगे उन सबके अंदर, मैं अपनी इंडस्ट्री नहीं बाहर की इंडस्ट्री में भी जहां जहां सफलता मिली सबके लिए बात कर रहा हूं कि जो जो भी खड़े होंगे कभी भी कहीं भी, उनके अंदर हमेशा एक चीज की बेसिक जरूरत है, वो है जिद। उस जिद के बगैर आप सोच ही नहीं सकते। जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। जब भी इतिहास रचा गया जिद्दी आदमी ने रचा है। अगर भाई हम लोग जरा क्लिपिंग्स में आ जाएं वापस से, अगर ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं जहां तक जो भी एग्जांपल लूंगा शायद आपके दिमाग में सारे होंगे, पहले नंबर पर सबसे पहले सोचते हैं, आप में से सभी ने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। अगर आपने दशरथ मांझी का नाम सुना है तो आपको यह पता होगा दशरथ मांझी की जो वाइफ थी उनको लेबर पेन के कारण हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन वो बीच के तो 55 किलोमीटर के रास्ते के अंदर एक पहाड़ पड़ता था, और जो पहाड़ पड़ता था उसकी वजह से वो टाइम पे नहीं पहुंच पाई और उसके कारण से उनको जाना पड़ा, मतलब डेथ हुई। और उसकी वजह से उन्होंने क्या जिद पाली कि अब ये पहाड़ नहीं बचेगा, और उस पहाड़ को हटाने के लिए उन्होंने सिर्फ एक छेनी और हथौड़े के दम पे इतना बड़ा पहाड़ खोद डाला। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या आ गई? जिद। हमेशा ये बात समझ के चलिए कि जिद जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। जिद जो होती है ना अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम पैदा करती है, एक बिलीफ सिस्टम। बिलीव सिस्टम बहुत जरूरी चीज है। हम में से कई लोग तो जानते ही नहीं, बिलीव सिस्टम जैसी बड़ी बड़ी बातों को तो समझना ही नहीं चाहते, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए कि बिलीव सिस्टम क्या है, बिलीव सिस्टम को हम लोग बोलते हैं निष्ठा। हिंदी में क्या बोलते हैं? निष्ठा। कि नहीं, मेरी तो निष्ठा है यार, मैं जो भी है मैं जो सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं। आप ये बात समझे या नहीं समझे, बिलीव सिस्टम जितना बड़ा होगा, जितनी ज्यादा आपकी जिद बड़ी होगी उतना ज्यादा बड़े काम आप करने वाले। अब जरा मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, अगर आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है तो उन्हें
27 साल जेल में रखा गया, एक पैसे की सैलरी नहीं थी, एक पैसे का इंसेंटिव नहीं था, एक पैसे की सैलरी नहीं थी, एक पैसे का इंसेंटिव नहीं था, कोई प्रॉफिट नहीं था, उसके बावजूद वो अपने बिलीफ सिस्टम के दम पे खड़े रहे। और बिलीफ सिस्टम ही जिद को पैदा करता है, क्योंकि आप तय कर चुके हो नहीं यार ये सही करना है, तो आप 27 साल दे सकते हो। 27 मिनट जहां हमारे लिए किसी एक जगह पे बैठना मुश्किल हो जाता है, आदमी 27 साल तक लगातार लड़ता रहे, इसके पीछे और कौन हो सकता है? बिलीफ सिस्टम। आपने गांधी जी का नाम सुना है, अगर आपने गांधी जी का नाम सुना तो आपको पता होगा गांधी जी का जो सबसे पहला इंसिडेंट जो किसी के भी दिमाग में होता है वो उनकी रेल यात्रा। अगर आपको ध्यान होगा गांधी जी जब आप साउथ अफ्रीका के अंदर वकालत करते हुए, याद होगा आपको है ना, जब वो ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे तो उनके पास में पहले दर्जे का टिकट था, पहले दर्जे का टिकट था, उसके बावजूद अंग्रेज जैसे अंदर हुए अंग्रेजों ने उसे बाहर कर दिया। जब अंग्रेजों ने उसे बाहर कर दिया तो उन्होंने कहा मेरे पास है भाई फर्स्ट क्लास का टिकट, उसके बावजूद अंग्रेजों ने कहा नहीं कोई जगह नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि कम बैक टू माई कंट्री आई थ्रो यू आउट। अकेला आदमी जब इतनी बड़ी बात कहते तो उसके पीछे एक ही बात होती है बिलीफ सिस्टम, मैं कम से कम कोशिश तो करूंगा, मेरे अंदर एक जिद है मैं कोशिश तो करूंगा। तो जितना ज्यादा बड़ा लक्ष्य होगा उतना ज्यादा बड़े बिलीफ सिस्टम की जरूरत होती है। तो अगर भाई देवे आपने भी कहीं अपने मन में एक लक्ष्य पाल रखा है ना तो उसके लिए बिलीफ सिस्टम डालिए कि नहीं मैं ये करूंगा और मैं ये कर सकता हूं, आप बाकी सारी बातें पीछे छोड़ते जाइए। उम्मीद है आपने ये बातें सुनी होंगी। मैं आपके सामने एक और छोटा सा एग्जांपल रखता हूं फटाफट से। आपने नाम सुना होगा मैरी कॉम का, मैरी कॉम ने कौन सा शुरू से ही बॉक्सिंग करनी चालू कर दी थी। इवन आपने तो शायद मूवी वगैरह देख के ये भी पता कर लिया होगा कि उसके फादर एंटी थे। अगर आपको पता होता उसके फादर एंटी थे, वो तो ग्लव छुपा देती थी, और उसने कौन सा बहुत मतलब इनिशियल एज से करना चालू करा था, मतलब 20 इयर्स के एज के बाद में उसने आखिरकार, ये पहली बार जब उसने एक किसी अपने स्टेट को एशियन चैंपियन बनते हुए देखा था, उसकी फाइट 1-1 देखी, तब उसके मन में ये भाव पैदा हुआ। और जब जिस दिन उसके मन में जिद जग गई कि नहीं साहब मैं तो कर सकती हूं, उस दिन वो करना चालू कर गए, और फिर तो इतिहास है। मैं आपको हर बार एक ही बात बोल रहा हूं और वापस यही बात बोल रहा हूं, हमेशा जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। अपनी जिद को पालो, उसे बड़ा करो, उसे जितना ज्यादा आप पाल सकते हो उतना, जितने दूर तक आप उसे पाल सकते हो उतनी बड़े इतिहास में आपका नाम होने वाला है। आप इसे पीछे मत जाइए। अगर आप एक बार ठान लें कि नहीं साहब मुझे करना है, ऐसा नहीं कि फिर तो हर जगह ठान लिया, ये नहीं कि मुझे करना है, लेकिन अपने लक्ष्य को लेकर के तो कम से कम एक बिलीफ सिस्टम बनाइए कि नहीं मैं ये कर सकता हूं। क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं? अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो मैं एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाहता हूं। शायद आपने नाम सुना होगा भगत सिंह का। अगर आपने भगत सिंह का नाम सुना है तो आपको यह भी पता होगा कि भगत सिंह की जिस दिन शादी तय हुई थी उसके अगले दिन ही भगत सिंह भाग गए थे कानपुर, और कानपुर जाते टाइम पे अपने मदर फादर के लिए चिट्ठी छोड़ गए थे कि मेरा जीवन कोई एक लड़की के लिए नहीं बना, मैं पूरे देश को जीवन देना चाहता हूं और ये मेरा बिलीफ है कि मैं इस देश के लिए कुछ कर सकता हूं। उन्होंने नहीं कहा कि मैं आजाद कर सकता हूं, बट उसका बिलीव तो था, उसका जिद था कि नहीं मैं कर सकता हूं। आपको यह भी पता होगा कि उनको दया याचिका के लिए वापस हस्ताक्षर करने की बात भी चली थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं कोई सॉरी वॉरी नहीं है, जो किया आपने देश के लिए किया, इसके लिए क्या गलती कर दी। अंग्रेजों ने उनके सामने एक बात लिख के दी थी कि अगर आप अपनी तरफ से सॉरी लिख दें तो हम आपकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मेरे कोई उम्र कैद की, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं, तो मेरे को फांसी चढ़ाइए, क्योंकि अंदर एक जिद थी कि अगर वो मर भी गया तो कम से कम एक इतिहास तो रख जाएगा कि लोगों के लिए मिसाल तो रख जाएगा। भाई आप सोचिए, आपको यकीन नहीं होगा, आज से जैसे 40 साल पहले तक 400 किलोमीटर की रिले रेस होती थी, 400 मीटर की रिले रेस होती थी 400 मीटर की, तो उस समय का जो मिनिमम रिकॉर्ड था ना वो 55 सेकेंड था, और वो जो 55 सेकेंड का टाइम था, वो 55 सेकेंड का टाइम कम से कम 5-6 साल तक कोई तोड़ ही नहीं पाया। तो हर एक आदमी के मन में क्या बैठ गया था कि 55 सेकेंड जो है उससे कम में तो कोई 400 मीटर दौड़ ही नहीं सकता। फिर एक आदमी ने कैसे भी करके उसे 52 सेकेंड कर दिया, एक आदमी ने जिद पाल के उसे कितना कर दिया 52 सेकेंड, और जो काम पिछले 10 साल से नहीं हो रहा था अगले ही साल में माने विद इन 12 मंथ्स 25 और आदमियों ने 52 सेकेंड की स्पीड निकाली, एक तो 51 पे भी निकाल गया, माने 51 सेकेंड में भी वो दौड़ पूरी कर गया। अब आप इसे क्या समझे कि अगर भाई तो किसी एक आदमी ने वो पैरामीटर लगा दिया कि नहीं साहब ये 400 मीटर तो मैं 52 सेकेंड में भी पूरे कर सकता हूं, ये 400 मीटर तो मैं 52 सेकेंड में पूरे कर सकता हूं, तो अगले साल 25 और लोगों ने भी 52 सेकेंड कर दिए। इसका मतलब लोगों ने अपना बिलीफ सिस्टम बनाया, अपनी जिद बना ली कि नहीं तो हो सकता है, उन्होंने यकीन कर लिया ना, उन्होंने जब ये यकीन कर लिया कि नहीं साहब हो सकता है, देखो अब तो यकीन हो गया ना, पहले नहीं तो कईयों साल तक 55 सेकेंड ही चलाते रहे ये लोग।
अब आप समझे क्या करगार कैसे अपने आप को चेंज करना होता है ना, आप अपने आसपास में जितने भी एग्जाम्पल ढूंढें, जितने भी एग्जाम्पल ढूंढें वो हमेशा पॉजिटिव आदमियों को ढूंढिए, क्योंकि अगर आपने गलती से भी नेगेटिव लोगों को रेफरेंस पॉइंट बना लिया, नेगेटिव लोगों को रेफरेंस पॉइंट बना लिया तो वो आपको पीछे ले जाएंगे, वो आपको पीछे ले जाएंगे, वो आपको आगे थोड़े ले जाने के लिए आए, वो तो आपको पीछे ले जाएंगे। मेरी बात 1-to-1 आप में से हर एक जने को समझ में आ रही होगी, है ना, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्या है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जैसे लोगों ने रेफरेंस पॉइंट बना रखा था कई दिनों तक 55 सेकंड को, तो लोग 55 सेकंड के आगे जा ही नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही रेफरेंस पॉइंट टूटा फट से ने लोगों को दिख गया, नहीं 52 सेकंड आस्ता यार, बीच में कोई 54 नहीं आया, बीच में कोई 53 नहीं आया, सीधा 52 सेकंड, और कुछ लोगों ने तो उसके बाद तोड़ते ही चले गए। तो आप में से कई लोगों को जिनको मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे को जब ये बोला गया कि आपको जाकर के एक सेमिनार लेना है हमारे SLC में, है ना, तो मैं ये समझ गया कि मेरे को जिन लोगों से बात करनी है वो तो अपने ही लोग हैं, वो तो अपने ही लोग हैं, है कि नहीं। और जो बात हम लोग क्लास के अंदर, तो हम लोग ऐसे भागते हैं ना, क्योंकि है ना कोर्स का जो पैरामीटर होता है उसमें अगर आपने 10 मिनट भी इधर उधर निकाल लिया, बाकी तो आपको पता ही ना पार्टी 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 निकाल लेती है, ठीक है ना। तो जो बीच का जो आपने अगर 1-2 मिनट भी इधर उधर निकाल लिया तो आपको पता है बाकी चीजों को तो आप खुद ही तबाह कर दोगे। तो ये सारी बातें बोलने के लिए जो कम से कम एक आपको एक फैन चाहिए होता ना वो मिल ही नहीं रहा था, तो इन्होंने कम से कम मेरे को एक जगह प्रोवाइड कराई, इसके लिए तो थैंक्स है इटूज को।